ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगिक कंपनी है जो कोयला खनन कार्य में अग्रणी है। सेंट्रल कजोरा कोलियरी का संक्षिप्त परिचय। सेंट्रल कजोरा कोलियरी में 3 कोयला सीम, अपर कजोरा R9, लोअर कजोरा टॉप R8T और लोअर कजोरा बॉटम R8B स्थित है। दुर्घटना होने की पूर्व की घटनाएं एवं दुर्घटना की घटना। दिनांक 8 मई 2019 के प्रथम पाली में कजोरा टॉप R8B सीम में ठेकेदारी कामगार मृतक सुकांत कोड़ा 0 वेस्ट लेवल में 11 एवं 12 साउथ डीप के बीच में गैलरी के साइड में डुकी काटने के कार्य में लगाया गया, क्योंकि वहां पर गडर का सपोर्ट छत सपोर्ट के लिए लगाना था। श्री विजय भट्टाचार्य ओभरमैन उसी स्थान पर खड़े होकर उस कार्य का निगरानी कर रहे थे। मृतक सुकांत कोड़ा को लगभग 2.2 मीटर की ऊंचाई पर डुगी काटना था। वो एक ड्रम पर खड़ा होकर गैलरी के साइड में डुगी काट रहे थे। सुकांत कोड़ा को कार्य पर लगाने से पहले श्री विजय भट्टाचार्य ओभरमैन द्वारा उस स्थान का निरीक्षण किया गया एवं छत में रूफ बोर्ड के द्वारा सपोर्ट किया गया। उसके बाद सुकांत कोड़ा एक ड्रम पर खड़े होकर डुगी काटने के कार्य करने लगे। उसी दौरान लगभग 12:15 में असंतुलित होकर ड्रम से नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट आई। जैसे ही सुकांत कोड़ा ड्रम से नीचे गिरे, पास में उपस्थित श्री विजय भट्टाचार्य ओभरमैन फौरन दौड़ के उनके पास गए और मदद के लिए चिल्लाए। उनकी आवाज को सुनकर अन्य खान श्रमिक श्री सोमलाल माझी, सामान्य मजदूर श्री त्रिपुरी शाह एवं श्री तुषार कांति राय, सर्वे मजदूर दौड़ कर घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद उसे स्ट्रेचर के माध्यम से ऊपर लाया गया। उसके बाद उसे कोलियरी के चिकित्सालय में ले जाया गया। तदुपरांत उसे गौरी देवी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने लगभग दिन के 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना होने का मुख्य कारण, 1, ऊंचाई पे डुगी काटने के लिए उपयुक्त घोड़िया की व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया और असुरक्षित तरीके से ड्रम पर खड़े होकर डुगी काटा जा रहा था। 2, उपर्युक्त कार्य के संबंधित खतरों को वहां उपस्थित सुपरवाइजर एवं कार्यरत कामगार दोनों के द्वारा पहले से आकलन नहीं किया गया। इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय, 1, सुरक्षा के संबंध में सुपरवाइजर एवं कामगारों में जागरूकता पैदा किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा समिति एवं श्रमिक निरीक्षकों को तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है। 2, कहीं भी असुरक्षित कार्य पद्धति या असुरक्षित स्थिति दिखती है तो उसमें तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है। 3, ऊंचाई पे कार्य करने हेतु पर्याप्त ऊंचाई का संतुलित घोड़िया जिसमें हैंडरेल लगा हो उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा ऊंचाई पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी कामगार को ही कार्य में लगाना है। याद रखें, सुरक्षा जीवन का अर्थ है और सुरक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है।